पाकिस्तान में आप जितने भी मशहूर हो जाओ, आपकी मशहूरियत पता चलती है आपके इंस्टाग्राम के कमेंट से। अच्छा, आज मैं पढ़ूंगा दोबारा से लोगों के कमेंट्स, और अगर कमेंट्स की बात आ रही है तो इधर हानिया आमिर कहाँ जा रही है, हानिया आमिर के कमेंट्स पढ़ेंगे। हानिया आमिर ने अपनी पिक्चर पोस्ट करी इंस्टाग्राम पे, कैप्शन लिखा एट द एंड ऑफ अ रेम्बो। मिस्टर हॉट 69 कमेंट कर रहे हैं, इतने है नहीं जितना शो करवा रही हो, फेक। अबे किस चीज की बात कर रहा है ये, इतने है नहीं। हाइट तो हानिया आमिर की बहुत छोटी। बड़े हो गए इसका मतलब ये नहीं हर जगह दिखाने लग जाओ। आप कितना पैसा लोगी वैक्स का? सेक्स करना चाहता तुम्हारे साथ। फ्यूचर अबे ये चीजें लड़कियां भी देखती हैं, ये लेस्बियनिज्म क्या यहाँ भी आ गए पाकिस्तान में? मतलब कैंची से कैंची लड़ाने वाले सीन है यहाँ पर। अबे लड़कियां कहाँ देखती है, लड़कियां ने शक्ल देखती है, मेकअप देखती है, पूछती है इस लिपस्टिक कौन सी लगाई हुई है लड़की ने। आज की लड़कियां भी ये देखना शुरू हो गई, हम लोग को छुपा के घूमना पड़ेगा फिर। लॉन्डे भी तो नहीं देख रहे। चुमिलो यार, पर्स बहुत हैवी है आई थिंक, हाथ से उठा लेती तो अच्छा होता। ये ले मेरा दिल। मेरी जीएफ का स्वेटर क्यों पहना हुआ है? तेरी सिर्फ वो जीएफ थी, तू उसके साथ नहीं हुआ था, वरना तुझे पता चलता कि तेरी जीएफ कैसे क्या क्या पहना हुआ है। गजब बेइज्जती है, तुझे पता नहीं चल रहा। एक्साइटेड फॉर द मूवी स्पाइडरमैन को लेके इतनी एक्साइटेड हो गई है कि मुंह में सॉक्स पहन लिया और उसके ऊपर पेंट कर लिया है स्पाइडरमैन इन 144p। क्वालिटी बहुत लो है, मतलब ये कहना चाह रही है, अर्ज करना चाह रही है। अरे जान तुम्हारा मुंह कहाँ है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। आईना इसका मुंह किधर है? अबे कौन से मुंह की बात कर रहा है, मुंह मुंह ही होता है भाई, कौन से मुंह की बात कर रहे हो? अबे यार बड़ा हरामी हो बेटा, जाला फेंक कर मेरे इंडिया के साथ चिपक जाओ प्लीज। इंडिया के साथ चिपक जाओ मतलब वो बॉर्डर पे जाके इंडिया पे जाला फेंके मुझे यार समझ। अबे इंडिया में रहते हो तुम, इंडिया से ही सोच रहे हो तुम, जानी इंडिया से ही सोच रहे हो, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, इंडिया के पास जाना है तुम्हें, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सस्ती जेट्स पीने के बाद स्पाइडरमैन स्पाइडर बीसी साजिद माजिद इतने बड़े कैसे हो गए? हाँ मियां खलीफा 2.0। ये लड़कियां मियां खलीफा को कैसे जानती है यार? नहीं 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 यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लड़कियां तो बड़ी शरीफ पारसा बनती हैं भाई। हानिया खलीफा 2.0 मतलब सब पता है इनको, जॉनी सिंस मतलब समझ रहे हो ना, सबको जानती है ये, तुम लोगों के सामने सिर्फ बनती हैं ये। प्यारी समझ गई। हानिया आमिर की बात हो रही है तो उनकी बेटी ओ सॉरी दना नील को कैसे भूल सकते हैं भाई, पार्टी हो रही है यार, पार्टी हो रही है, उसको कैसे भूल रहे हो? पार्टी हो रही है, प्लीज मेरे साथ पार्टी कर लो, प्लीज मेरे साथ भी, मेरे साथ भी, मेरे साथ भी, मेरे तू कच्चा है, तू बच्चा है। अबे आपस में लड़ना शुरू हो गए हो, पार्टी करनी है तुम लोगों को, क्या छापे पड़वाने तुमने दना नील के पास? मेरे साथ भी, मेरे साथ भी, मेरे साथ भी। दना नील ने थोड़ी रिप्लाई कर दिया नीचे, तुम लोग को हल्की सी कोई चीज भी मिल जाए ना सालों तुम लोग के पानी निकल जाते हैं, पार्टी करनी है तुम लोग को उसके साथ। मिस्टर कैमिल टेकिंग द स्पॉटलाइट इन द पिक्चर। आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी शराब उतर रही है, नंगी हो रही है, नंगी। इवन कैमिल इज मोर टैलेंटेड देन यू। कैमिल तो नहीं, अबे दुनिया का सच बाहर में गया, मैं कहता हूँ हर सच बाहर में गया, ये बंदा दिल ले गया है। इसने बोला है कैमिल के पास मतलब ऊंट के पास तुम्हारे से ज्यादा टैलेंट है। अबे दिल ले गया ये मेरा, सच बोल रहा है, बड़ी हिम्मत का काम है लड़के। काश मैं ये कैमिल होता, ये सिर्फ ब्लू टिक वाले का जवाब दे दिया। तुम्हें अगर जवाब चाहिए बेटा बहुत सिंपल सा हल है, वीडियो बनाओ यहाँ कचरा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, अगर तुम वायरल होगा तुम्हारे पास आएगा ब्लू टिक, ठीक है जी, तुम हो जाओगे पाकिस्तान के टैलेंटेड बॉय, फिर तुम्हें भी मिलेगा जवाब। वेर यू बीन शूटिंग ऑल डे एंड स्लीप ऑन सेट? इसी तरह की चपलियां मार मार कर फेमस हुई है ये, चपलियां तो मारी है कुछ और भी मारा है वो भाई आशीर्वाद। अबे यार सच, ये सच्ची बातें नहीं हो रही भाई, यार वो दूसरे पेज पे होती है, सच वच नहीं बोलो यार। चुम्मी शुम्मी ले लू कोई मसला तो नहीं? चुम्मी शुम्मी ला लो, मुश्किल तो नहीं है। वेक अप जानी, अदरवाइज जॉनी सिंह इज नॉट कमिंग स्लो। बेटा VPN बंद कर लो वरना जॉनी सिंह इज नॉट कमिंग स्लो। ये तुम्हें ना जरा बाहर मोहल्ले वाले से पूछो, उसको आने जाना था तुम्हारी गली में, जभी तुम शायद आए उस दुनिया में। ये तो सोते में भी बहुत प्यारी लगती है। पीछे आ जाऊं? बेटा पीछे पानी है, डूब जाएगा इंडस्ट्री में, इसको 1-2 साल तो हो गए हैं, गहरी बहुत है, मतलब पानी समंदर गहरा बहुत है, सच में डूब जाएगा। नियत खराब कर रही हो। नया फेम, नए वालदेन, वाह। नहीं इसके वालदेन वही है, अबे एग्रीमेंट हुआ है दोबारा से वालदेन चेंज करने का। यार ये लोग सच क्यों बोल रहे हैं यार ये आजकल भाई? भाई पता नहीं ये सच क्यों चल रहा है आजकल, बहुत सच्चाइयां चलती है भाई इनके कमेंट्स में, पढ़ा करो जाके।
अब बात करते हैं पाकिस्तान में पैसे का दूसरा नाम वकार ज़कात। सबको बता दिए बिटकॉइन ले लो अमीर हो जाओ। इनके कमेंट्स पढ़ते हैं भाई, कितने लोगों ने बिटकॉइन लिए हैं और दिए हैं वो भी देखते हैं। देता कोई नहीं, पेपर कैंसिल करवा दो सेकंड ईयर के। अबे वकार ज़कात है वो बोर्ड में काम नहीं करता। एक तो वकार ज़कात ने 9 की या कंप्यूटर की बुक उसने सही करवा दी है। तुमसे बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की बुक उसने सही करा दी है 9 की, तो उसको सब ना प्रिंसिपल समझ रहे हैं उसको। उसने अपना दिमाग ही ऐसा बना दिया वकार ज़कात इस वेरी बच्चोदा इंसान भाई। क्या क्या बोला तूने? वेरी बच्चोदा इंसान भाई। चलो पाकिस्तान का कोई बेस्ट कॉमेडियन है तो वो वकार ज़कात है। कोई लड़की अपना नंबर ही सेंड करो। अबे वो वकार ज़कात है, उसने कंधे पे रुमाल नहीं डाला। वो हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। तुम क्या समझ रहे हो यार, ये इज्जत है यार। देखो वो बोल रहे मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा, ये उसकी ये इज्जत कर रहे हैं यार। समझ से बाहर है यार, बचिया सप्लायर है वो। मुझे ज्यादा एक नंबर मेरा शौक नहीं है, हीरा मंडी में रहता है। वकार भाई इलाज क्यों नहीं करवाते अपना? मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता। नो डाउट वकार का नेक्स्ट पीएम। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पहले एक कप्तान को पीएम बना के भुगत रहे भाई हम। अबे टैक्स हर चीज पे टैक्स दे दिया है वकार ज़कात। असल में हाइप का सीन है सारा, जिसको हाइप दे दी वो लोग समझते पीएम बन जाएगा। अबे मुझे भी बना दो पीएम, कल को मैं बोलूंगा मुझे बना दो ये क्या पीएम, शायद बना दो। फटा हुआ का नतीजा साला वकार ज़कात है। चूहे ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है यार? तुम्हें कैसे मालूम कि चूहे की शक्ल ऐसी होती है? सुबह उठ के रोज शीशे में अपना आईना देखते होगे, तुम्हें तभी पता है कि चूहे की शक्ल ऐसी होती है। शैतान की पूजा करता है ये। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसी ही हूँ, बताएं मुझे तो एक मौका तक नहीं दिया आपने दोस्ती करने का। ये लड़की पीछे ही पड़ गई है वकार ज़कात के, चाहती है दोस्ती कर ले, दोस्ती के पास मोस्ती कर ले और उसके बाद कुछ इस तरह के बच्चे आए। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी एज यू आर नॉट पेइंग माय बिल्स। हाँ मां बस आपसे मैं भी क्यूट हूँ। नो गुस्सा दिल ने नहीं मान दिया।